अपर जल महल की, रमनलाल गोस्वामी यूरो की हेडलाइन, उप कारागृह में बंद कैदी ने जेल प्रशासन पर कथित मारपीट का लगाया आरोप। ही उप कारागृह का है मामला। ही उप कारागृह में हत्या के मामले में बंद एक विचाराधीन कैदी ने गुरुवार को उप कारागृह प्रशासन पर कथित मारपीट का आरोप लगाया है। उप कारागृह दीप में बंद कैदी विक्रम व उसके साथ दो कैदियों को बीमार होने पर पुलिस के साथ दिखाने के लिए गुरुवार को रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां कैदी विक्रम सिंह यादव ने उप कारागृह प्रशासन पर बेरहमी से मारपीट कर अंगुली तोड़ने के साथ 5 दिन ऐसी खाना नहीं खाने की बात कही। गौरतलब है कि 21 मार्च को भी उप कारागृह में बंद कैदी अरुण कुमार ने उप कारागृह प्रशासन पर पैसे मांगने के आरोप लगाएगा। पैसे नहीं देने पर कैदी अरुण के साथ बेरहमी ऐसी मारपीट की गई थी, जिसका मुकदमा कैदी के भाई ने भी थाने पर कराया था। साथ ही उपकरपाल जगदीश शर्मा ने भी कैदी के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज कराया था। इनका कहना है 29 अप्रैल को रात्रि करीब 12 बजे मुझे फोन ऐसी सूचना मिली कि बैरक नंबर 2 में दो कैदी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जिस पर मैं मौके पर पहुंचा। झगड़ा कर रहे कैदी विक्रम व बल्लो को समझाइश कर अलग अलग बैरक में कर दिया। कैदी विक्रम उप कारागृह प्रशासन पर मारपीट करने का गलत आरोप लगा रहा है। उपकरपाल जगदीश शर्मा